जमशेदपुर लोकसभा सीट पर तीसरी बार हैट्रिक करने वाले पहले सांसद विद्युत वरण महतो हमारे साथ है, जो बड़ी बढ़त के साथ जीत अपना दर्ज कराया। देखिए किस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जिस तरह से उत्साह मनाया रहा है। जाहिर सी बात है 2.5 लाख से ज़्यादा अंतर से जब कोई प्रत्याशी जीतता है तो इसी तरह की खुशी देखी जाती है, और ये खुशी जो है विद्युत वरण महतो के चेहरे पे दिखाई पड़ रहा। सर एक मिनट, सर एक सवाल खाली करेंगे, जीत के लिए कितने खुश हैं? सारे लोग खुश हैं, मेरा कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, नेता लोग का पूरा खुशी है, और ये तो जनता का प्यार है। जमशेदपुर लोकसभा एक जनता हमारे देवतुल्य है और कार्यकर्ता भी देवतुल्य है, जो एकदम स्तंभ लोग खड़ा रहा 43 डिग्री सेल्सियस इतना बड़ी कड़ी धूप में, और इतनी मेहनत करके जन जन तक संपर्क कर इतनी बड़ी आकार में जीत दिलाना, ये सारा सराय जनता और हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के लीडर के ऊपर जाता है, जो असीम प्यार का ये परिणाम। विजय जुलूस वगैरह भी निकलेगा? नहीं, अभी तो जुलूस बाद में, हमारे आभार जुलूस निकलेगा जनता के प्रति। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा मंदिर थोड़ा कुछ शहीद लोगों के बीच में जाएंगे और माल्यार्पण करके थोड़ा पूजा पाठ करके आज का ही समाप्त करेंगे, क्योंकि जुलूस उलूस शायद परमिशन नहीं है, आचार संहिता लगा हुआ, उसके बाद हम लोग आभार जुलूस निकले। जमशेदपुर में बढ़त हुआ और अच्छा जीत हुआ आपका, लेकिन देश भर में जो मार्जिन है वो घटा है, 400 पार का आंकड़ा पूरा नहीं शायद आप कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या मिला? अभी देखिए इंडिया काफ़ी आगे है और ये लोग को जितना भी मिला ले आंकड़ा नहीं छू पाएगा, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, मेरा अटल जो गारंटी के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत 47 में, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। चौमुखी विकास के समाज के हर क्षेत्र में जो भी 10 साल के अनुभव के साथ जो भी कमी खामी है उसको हम लोग पूरा करेंगे, और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, डंका बज चुका विश्व बाजार में, और मोदी जी आज पूरा विश्व का नेतृत्व करते हैं, विश्व स्तरीय नेता, सबसे ऊपर के नेता है विश्व में, उनका काफ़ी उनको लोग मानते हैं और विश्व का नेता के रूप में उभरे हैं। आगे भी इस राष्ट्र के निर्माण में हमारे जैसा श्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जन जन का सेवा के लिए सारा जीवन निछावर किया, सारा जिंदगी खपा दी, आगे भी इस राष्ट्र निर्माण में उनका सेवा रहे। दादा आखिरी सवाल, जमशेदपुर में तीसरी बार आपको जीत दिलाई है जनता ने, तो क्या कुछ बच गया है जिसको करना है इस 5 साल के बीच में? क्या देखिए अभी हम लोग जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में घूम रहे हैं, छोटा छोटा बहुत जगह समस्या है, उसको हम लोग सूचीबद्ध किए, संबंधित विभाग से बात उसको करना ही है। एयरपोर्ट एक बड़ा चीज़ है, रेल में काफ़ी हम लोग काम किए, NH पर काफ़ी काम किए, अभी जो एलिवेटेड कॉरिडोर है काले हम लगातार संपर्क में था, कल यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है टेलीफोन से मेरे को बात किया, जैसे सरकार बनती है 10.5 किलोमीटर जो काली मंदिर से भिलाई पहाड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर सरकार बनती काम शुरू हो जाएगा, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये सब करना है, एजुकेशन का बेहतर अवसर हो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि हब बने, स्वास्थ्य का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग चाहेंगे एक स्वास्थ्य के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ मिल के बात करेंगे, और सिंचाई का बहुत सारा अधूरा है, पाइपलाइन का माध्यम से पोटमदा बुड़म में सिंचाई का व्यवस्था करना है, घाटशिला बहरागुड़ा जो पूरा कृषि बाहुल क्षेत्र है, पटका डुमरिया इस सब क्षेत्र में हम लोग को काफ़ी कुछ करने का अवसर है, आगे हम लोग करेंगे, और पुनः 6 महीने के बाद जो इलेक्शन है हम उसमें लागेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पुनः सरकार आए और जनता का हित में पहले जैसा पिछले 5 साल में हम लोग किए थे उसके अनुरूप डबल इंजन बन के डबल काम करते हुए जनता के बीच में खड़ा उतरे। तो ये हमारे साथ विद्युत वरण महतो थे जो बता रहे थे कि तीसरी बात जीत के पीछे का उनका मूल जो काम है वो यही है कि उनको तीसरी बार जो जनता ने जिताया है, जो कब काम जो रुक गया था, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो या फिर ट्रेनिंग का मामला हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर सिंचाई के क्षेत्र में हो, तमाम विकास के कार्यों पर वो आगामी 5 वर्षों में ध्यान देंगे, कारण कि जनता ने उनमें विश्वास दिखाया है और इस विश्वास को वो अपने भरोसे के साथ एक डोर में बांध कर रखेंगे और जनता के साथ के कसौटी पे वो खड़ा उतरेंगे। अब देखने वाली बात है कि हैट्रिक मारने के बाद विद्युत वरण महतो जो है कितना विकास करते हैं, कारण कि 10 वर्षों का विकास का जो लेखा जोखा है जमशेदपुर लोकसभा की जनता जानती है, और जब तीसरी बार जीत क्या है तो कितना विकास कर पाते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।